साइड पॉकेट जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो साइड पॉकेट में ऐसा होता है कि पूरा ही कपड़ा दूसरा लगता है। एक केस ऐसा होता है कि इसमें जोड़ कर आधा ये लगता है आधा ये लगता है, ठीक है। तो वैसा ही बनाने वाले हैं जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये रहा मेरा सीधा और ये रहा उल्टा, आप देख सकते हो ये मेरा उल्टा पार्ट रहा, ठीक है। और उल्टा पार्ट में आप देख सकते हो इसको जो है सेम इतना ही जितना चौड़ाई है ये लंबाई, सेम उतना ही लंबाई हमने इसको कट कर लिया है। और इसको इस तरीके से कटना क्या है कि पक्का स्टिच करना है, ठीक है। ये पक्का जो है स्टिच हो चुका है। दूसरे साइड भी सेम इसी तरीके से, दूसरा साइड जो पॉकेट लगता है जैसे कि ये रहा मेरा पल्ला, इस साइड को भी हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए इसको करना क्या, ये देखिए तो पक्का स्टिच हो चुका है। इसको फोल्ड करेंगे, और सबसे अच्छा पॉकेट काटने का हम तरीका, बेस्ट तरीका बताएंगे जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ये हमने फ्रंट पल्ला, आगे का पल्ला इस तरीके से उठाया, देखिए ठीक है। ये हमने आगे का पल्ला इस तरीके से उठाया और इसको डाउन किया नीचे, ये देखिए सेम जिस तरीके से है उस तरीके से हमने रख दिया। अब करना क्या है कि देखिए यहाँ से कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए, तो यहाँ से 2.5 इंची आप रख सकते हो, यहाँ से 2.5 इंची हम छोड़कर इसको हम फैब्रिक को यहाँ तक रख लिए, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंची इस तरीके से मेजरमेंट करके रख लें और इसको इस तरीके से रख लें, आपको दिखाई देता होगा। अब इसको करना क्या है कि आप यहाँ से इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये जो आपको नोचिस है इसमें लगा लें ताकि आसान होगा पॉकेट बनाने में। एक यहाँ पे एक नोचिस है, यहाँ पे इस तरीके से लगा लें। इसको आप साइड करेंगे और ये बीच का जो मेरा सेंटर है इसमें नोचिस लगा लेते हैं, ये देखिए। अब नीचे से कितना राउंड करना चाहिए ये हम बताएंगे। ये देखिए ठीक है, यहाँ से तो इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए ये कपड़ा जो आपको होना चाहिए ना, ये देखिए ये जो कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कम से कम 5 इंच तक होना चाहिए, 4.5, ये देखिए ठीक है। इससे कम रहेगा ना तो ये गैदरिंग जोर में इसमें आ जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, पॉकेट भद्दा सा बेकार हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से आप रखें। और इसको राउंड ऊपर कितना उठाएंगे, तो ऊपर जो है अब 1.5 इंची तक उठाओगे तो बेस्ट लगता है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो आप इसको इस तरीके से राउंड भी रख सकते हो। अब सेम इसी को रखकर दूसरे पार्ट को हम कट करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं दोनों पॉकेट एक साइड के ही ना हो जाए। तो इसको किस तरीके से कटिंग करते हैं चलिए वो भी हम आपको सीक्रेट बता ही देते हैं, नहीं तो अक्सर ज़्यादा ऐसे लोग गलती करते हैं जो नए लोग होते हैं।
ये देखिए उस पल्ला में, इसमें जो है इसमें सीधा अंदर है, ये देखिए ये उल्टा है और ये अंदर वाला सीधा है, ठीक। तो सेम इसी तरीके से इसको भी फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर लिए। अब करना क्या है कि ये देखिए सेम पोजीशन में रखेंगे, जैसे कि ये पल्ला मेरा ब्लैक पूरा है तो इसको ब्लैक से ब्लैक में इस तरीके से रखेंगे, नहीं तो अगर इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे तो इसको भी सेम हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, या आप ओपन करके, आप ओपन करके इस तरीके से भी कटिंग करना चाहते हो तो सेम इसी प्रकार से रखेंगे। ये देखिए सीधा, ये भी सीधा, तो इसको इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए, ठीक है, इसको इस तरीके से रखेंगे। तो हमने बता दिया कि इस तरीके से आपको कटिंग करना है, तो जो मुझे आसान लगता है उसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमने चीज़ पूरा बताया है, ये जो हल्का जानते हैं वो तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं दोस्त, मुझे पता है, पूरा वीडियो वही देखते हैं जिनको सीखना होता है, उन्हीं के लिए मैं खास करके वीडियोस बनाता हूँ, जो नए लोगों उससे अच्छा नॉलेज और पूरा नॉलेज मिले। देखिए तो ये ब्लैक है, ठीक है, एक साइड का कपड़ा, तो इसको सेम उसी तरीके से रख कर कटिंग करेंगे। चलिए अब सेम इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये कट हो चुका है। कितने आसान तरीके से आपने देखा कि पॉकेट को किस तरीके से हमने कटिंग किया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको हो सके तो लिंक मिल जाएगा पूरा पैंट स्टिच करने का। एक ही वीडियो में पूरा पैंट सिलने का सीख जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या वीडियो के लास्ट में आप यहाँ देखिए एंड पे दिखाई दे रहा है, वहाँ से क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो उसको देख लीजिए।